दूसरे किस्त के लिए जब 2019 में आए तो हम लोग को पता चला कि 2019 में एक नियमावली आती है जो बिहार के बाहर जो यूनिवर्सिटी है या कॉलेजेज है वो नेक से मान्यता अगर नहीं है तो उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया, जिसमें हम लोग को चार यूनिवर्सिटी का नाम दिखाई दिया, जिसमें मेरे इस यूनिवर्सिटी का नाम था संगम यूनिवर्सिटी, उसके बाद एक विवेकानंद यूनिवर्सिटी जयपुर, मेवाड़ यूनिवर्सिटी चित्तौड़गढ़, ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर। एडमिशन 2018 में लिया था, 19 में यह नियम जी 19 में ये नियम आया, फिर लिस्ट में आ गए। हाँ लिस्ट में आ गए। हाँ लोन बंद, आप लोग को कॉलेज बंद, पढ़ाई भी बंद, मतलब निकाल दिया, कॉलेज भगा दिया, कॉलेज भगा दिया कि आप लोग जब लोग एग्रीमेंट नहीं कराइएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री का जो जनता दरबार चलता है उसमें भी मिले, वो भी बोले जब ठीक है देखेंगे, कुछ नहीं हुआ। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला था उनसे कि अब हमारा जो काम था वो हम कर दिए हैं, अब आपको बैंक लोन दिया था, अब आपसे बैंक ही वसूलेगा। मेरे तो फादर नहीं है, मैम फादर नहीं है, मतलब ये लोन पे भरोसे पे मम्मी पढ़ाने के लिए भेजी थी। आपसे एक ही गुजारिश है, अगर मैं पैसा दे पाता तो आपसे लोन क्यों लेता? अगर आपने बंद किया है तो क्यों किया है? आपको पहले जांच करना चाहिए था। कहते हैं कि खेल के बीच में नियम नहीं बदला जाता है, लेकिन भाई ये बिहार है, बिहार में कुछ भी हो सकता है। कई ऐसे नियम जो हैं वो बनाए गए और फिर खेल के बीच में नियम बदले भी गए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि बाद में क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, असर लोगों पर क्या होगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ रूपम। देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिक्षा मंत्री के आवास के पास। मैं यहाँ पर आई, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो एक झुंड लगा के, एक भीड़ लगा के यहाँ पर बैठे हुए हैं बहुत देर से, काफी देर से। बस यहीं ये जो जमीन आप देख रहे हैं, इसी जमीन पर ये बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि भाई कब शिक्षा मंत्री से हमारी मुलाकात होगी। कई बार प्रयास भी किए, कोशिश भी किए, गार्ड के पास गए कि भाई मेरी मुलाकात एक बार करवा दीजिए शिक्षा मंत्री से, जो भी समस्या है हम थोड़ा सा उनसे बात कर लेते हैं, लेकिन कहा गया कि इंतजार कीजिए। भाई साधारण लोग है, इंतजार करने की बात कही है। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी, कोई भी सरकारी योजना, कोई भी स्कीम निकला है, या चाहे लोन ही क्यों ना, आपको जो एजुकेशन लोन ही क्यों ना दिया जा रहा है, अगर वो आप ले रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि उसके बाद जो भरपाई आपको करना पड़ेगा वो काफी मुश्किल होगा। आज की यह जो खबर है, यह जो खबर देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाइएगा कि भाई हम अगर लोन लेते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, तो ऐसा ना हो कि सरकार हमें बीच मझधार में लटका दे और मेरे बच्चे का भविष्य ना इधर का रहे ना उधर का रहे, मतलब एकदम बर्बाद ही हो जाए। चले ये जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, यहाँ बड़ी बहुत ही दूर दूर से आए हैं, अलग अलग कास्ट हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए हैं। मसला क्या है हम आपको थोड़ा सा एक लाइन में पहले समझाना चाहेंगे। मुख्यमंत्री बड़े बड़े ऐलान करते हैं, बड़े बड़े रैलियों में जाते हैं, युवाओं की भविष्य की बात करते हैं और कहते हैं कि भाई हम तो सभी के लिए कर रहे हैं, लड़कियों के लिए भी कर रहे हैं, लड़कों के लिए भी, हर किसी के लिए कर रहे हैं। लोन की बात कर रहे हैं, जो पढ़ाई के लिए जो लोन होता है, जो क्रेडिट लोन दिया जाता है, वो लोन की बात कही जा रही है कि भाई पढ़ाई हो जाएगा, आपको लोन दिया जाएगा सरकार के तरफ से जितनी देर तक पढ़ाई है, उसके बाद भी अगर नौकरी नहीं मिलती है तो कुछ दिन तक लोन की कुछ भरपाई माफ उफ करने की भी बात हुई थी। लेकिन एक साल लोन दिया गया, उसके बाद लोन बिल्कुल ही बंद कर दिया गया, अब लोन नहीं दिया जा रहा है और नोटिस पे नोटिस भेजा जा रहा है कि आपके घर की कुर्सी जब्ती हो जाएगी, नहीं तो आपको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। अब पढ़ाई बंद, अब देखिए बच्चे क्या करेंगे। क्या नाम है? राजू कुमार पासवान। राजू पासवान जी है? जी छपरा से है। मैं छपरा से आए हैं। समस्या बताइए कि आखिर लोन आप लोगों को दिया जा रहा था, किस तरह के लोन दिए जा रहे थे? मैम जो लोन दिया जा रहा था बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के योजना के तरफ से, जो सात निश्चय, मुख्यमंत्री का जो सात निश्चय योजना है था, उसी में था। मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, उसी के तरफ से हम लोग का लोन दिया जा रहा था, जो हायर एजुकेशन के लिए जो लड़के या लड़कियाँ पढ़ना चाहती हैं उसके लिए जाकर अलग राज्यों में या बिहार में ही अपना हायर एजुकेशन पूरा करे, उसके लिए कोई उनसे अथी नहीं लिया जाएगा। जब पढ़ाई हो जाने के बाद 4% के हिसाब से उनसे ब्याज लिया जाएगा, पढ़ाई हो जाने के बाद जमा हो जाने के बाद ना, जितने साल की पढ़ाई है तब तक लोन मिलेगा ना, तब तक मिलेगा। और उसके बाद जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपको जब लग जाएगा तब आपको 4% इंटरेस्ट के साथ, वो भी इंस्टॉलमेंट में देना था, लगभग 84 या 85 किस्तों में देना था। इस तरीके का बात किया गया था,
तब हम लोग जागरूक हुए कि चलिए जब घर के लोग सक्षम नहीं है। नीतीश कुमार का कुछ भाषण सुनते हैं। हाँ, उसके बाद हम लोग जागरूक हुए कि अब सरकार जब दे रही है हम लोग को पैसा, घर के लोग सक्षम नहीं है, तो चलिए सरकार से लोन लेकर पढ़ेंगे और आगे जो भी डिग्री करना है, चाहे इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, या चाहे कोई भी कोर्स हो, वो सारी तरह की कोर्सें हम लोग को दी जा रही थी। लगभग 40 कोर्सें थी, तो उसको हम लोग किए, जिसमें से मैंने डिप्लोमा चुना। डिप्लोमा करने के बाद हम लोग जैसे एक साल किए, कोई यूनिवर्सिटी चुने? हाँ, यूनिवर्सिटी चुने, संगम यूनिवर्सिटी राजस्थान भीलवाड़ा। अच्छा जी, राजस्थान का जो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसी में संगम यूनिवर्सिटी। लोन सरकार बहुत अच्छे से जी जी, फर्स्ट बार तो लोन हम लोग का जो था 30 नवंबर 2018 को हम लोग का लोन सेक्शन किया गया, उसमें एग्रीमेंट किया गया फर्स्ट का, जिसमें मेरा था 1,10,500 रुपये मेरा ट्रांजेक्शन किया गया, जो कि संगम यूनिवर्सिटी के खाते में ही दिया गया, हम लोग को नहीं दिया गया, संगम यूनिवर्सिटी के खाते में दिया गया। 10,000 हम लोग को दिया गया इस स्टेशनरी के लिए, जो कि किताब कॉपी में खर्च हो। ठीक, उसको देने के बाद जब फर्स्ट साल हम लोग पढ़ी, दूसरे किस्त के लिए जब 2019 में आए, तो हम लोग को पता चला कि 2019 में एक नियमावली आती है, जो बिहार के बाहर जो यूनिवर्सिटी है या कॉलेजेज हैं, वो नेक से मान्यता अगर नहीं है तो उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। अच्छा। जिसमें हम लोग को 4 यूनिवर्सिटी का नाम दिखाई दिया, जिसमें मेरे इस यूनिवर्सिटी का नाम था संगम यूनिवर्सिटी, उसके बाद एक विवेकानंद यूनिवर्सिटी जयपुर, मेवाड़ यूनिवर्सिटी चित्तौड़गढ़, ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर, 4 यूनिवर्सिटी का नाम था। आपने एडमिशन कब लिया था? एडमिशन 2018 में लिया था। 19 में ये नियम बना? जी, 19 में ये नियम आया, फिर लोग लिस्ट में आ गए। हाँ, लिस्ट में आ गए हम लोग का 4। उसके बाद फिर बोला गया जो आप लोग का एग्रीमेंट नहीं होगा, कि आप लोग जाइए पटना जाइए। हम लोग DRCC में गए, DRCC कोई नहीं सुना था, बोला जब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ऊपर से आदेश है वो हम लोग करेंगे, मतलब लोन बंद। हाँ, लोन बंद, आप लोग को कॉलेज बंद, पढ़ाई भी बंद, मतलब कॉलेज भगा दिया कि आप लोग अब जब लोग एग्रीमेंट नहीं कराइएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक, तो DRCC भी मतलब छोड़ दिया कि जाओ आप लोग पटना जाओ। पटना हम लोग आए, शिक्षा मंत्री जो विजय कुमार चौधरी थे उस समय, 2019 की बात है, तो 2019 में आए वहाँ पे इको पार्क के पास में जो उनका आवास था। ठीक, तो वहाँ पर मिले हम लोग, बहुत सारी संख्या में थे उस समय। हम लोग से उनके पीओ से भी बात हुआ, उनसे भी बात हुआ, तो वो बोले जो ठीक है, हम इसके बारे में देखते हैं, आगे की जो कार्रवाई होगी आपको किया जाएगा। देखते ही रह गए। हाँ, देखते ही रह गए। उसके बाद फिर हम लोग सचिवालय भी गए, सचिवालय भी एक अधिकारी से बात हुआ, वो भी कुछ नहीं कर पाए। एजुकेशन डिपार्टमेंट गए तो बोला गया कि शुक्रवार को सर बैठते हैं, शुक्रवार को आप लोग मिलिएगा, तो हम लोग शायद बुधवार को आए थे। ठीक, तो वहाँ पर भी नहीं मिल पाए। फिर कितनी बार और लड़के मेरे साथीगण जो हैं, वो मुख्यमंत्री का जो जनता दरबार चलता है उसमें भी मिले, वो भी बोले जब ठीक है देखेंगे, कुछ नहीं हुआ। चलिए ठीक है, जनता दरबार आप लोग मिलने की जी बिल्कुल गए थे हम, मैं तो नहीं, मेरे साथीगण गए थे। नीति हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला था उनसे कि अब हमारा जो काम था वो हम कर दिए हैं, अब आपको बैंक लोन दिया था, अब आपसे बैंक ही वसूलेगा, हम कुछ नहीं जान रहे हैं इसके बारे में, उनको ये बोलकर वहाँ से भगा दिया। बोले नहीं कि आपका योजना इसे निकला था, पैसे भाषण दे रहे थे उस टाइम, वो कुछ सुनने के मतलब काबिल ही नहीं थे, वो हाँ वो भगा दे रहे थे डायरेक्ट, वो उसके बाद ऐसे कर रहे थे भगा जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो कुछ नहीं सुन रहे थे, बस वो अपना बोल रहे थे। उसका वीडियो भी होगा हमारे पास, उसका जनता दरबार का वीडियो भी होगा, उन्होंने कैसे अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि हटाओ इसे। अच्छा भाई, लोन देता है कोई भी कॉलेज को, कोई सरकार अगर दे रही है तो उस कॉलेज के लिए वेरिफिकेशन वगैरह करके ही देती है? हाँ, वेरिफिकेशन पहले करके देती है, तो इनका वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं ये अब ये समझेंगे ना, हम लोग तो बाहर गए नहीं, हम लोग तो मतलब कॉलेज जो गए पहले तो जाते नहीं थे कि हाँ कहीं जाकर खोजे कहाँ कॉलेज अच्छा है क्या है नहीं है, इनको चाहिए एक ग्रेड का कौन सा कॉलेज है, किस में इनका पैसा देना जरूरी है, आवश्यक है। अच्छा, और अच्छा मुझे एक बात बताइए कि भाई इधर आइए, क्यों पैसा देना बंद कर दी, क्या बोला? मैम इसके बारे में तो हम कुछ बता नहीं सकते क्योंकि हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। हाँ। लोन बंद कर दिया, हमको मालूम नहीं था। जब लोन बंद हुआ कॉलेज बोला भाई तुम्हारा पैसा नहीं आया अगले सेमेस्टर का, हम लोग बोले क्यों नहीं आया, तो बोले जा अपने DRCC से बात कर लो। हाँ। तो हम लोग DRCC में गए, तो पहली बार मैम वहाँ से हम लोग को इज्जत से बात नहीं हुआ, स्टूडेंट हम जो स्टूडेंट से बात किया जाता है उस तरह से बात नहीं हुआ हम लोगों से, वो बेहरमी से बात किया, बोले इसके बारे में हम नहीं बता सकते। पता कैसे चला कि क्यों बंद क्यों किया गया? इसमें मैम ऐसा था कि उन्होंने ये बोला था कि जिस कॉलेज का ए ग्रेड का मान्यता है, नेक का मान्यता है, हम उन्हीं को हम देंगे लोन।
हाँ जो उसके नीचे हैं के पहले नहीं देखे थे, देने के पहले तो कोई वेरिफिकेशन ही नहीं था, लोन दे दिए यूनिवर्सिटी में पैसा चला गया, उसके हमको लगता है 2 महीने या 3 महीने बाद आए थे ना वेरिफिकेशन में, 3 महीने बाद आए थे कॉलेज वेरिफिकेशन में, उसके आने के बाद ही अब ये लोग का क्या नियम निकला है, 1 साल दिया गया, अब बंद नोटिस आ रही है आप लोगों के पास, अभी आप लोग घर पे बैठ गए? हम लोग घर पे बैठ गए। क्या करते हैं आप लोग के पिताजी? मेरे तो फादर नहीं है, मैम फादर नहीं है, मतलब ये लोन पे भरोसे पे मम्मी पढ़ाने के लिए भेजी थी, कहाँ गए? मैं कैमूर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम राहुल तिवारी है। राहुल तिवारी, आपका क्या नाम है? राहुल गुप्ता। क्या मतलब पापा क्या घर से कैसा? किसान है। किसान है, मतलब लोन चुकता करने की पोजीशन में नहीं? नहीं मैम, एक ही गुजारिश है, अगर मैं पैसा दे पाता तो आपसे लोन क्यों लेता? अगर आपने बंद किया है तो क्यों किया है? आपको पहले जांच करना चाहिए था। वही ना मैम, तो कोई मतलब आप लोग किस परिस्थिति में आ गए कि हम ना आपको डिग्री ही मिल रही है, डिग्री भी नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वही मैम, जो आप 1 साल बाद वेरीफाई की है वो पहले वेरीफाई कर सकते थे ना? क्या करते हैं पापा? क्या करते हैं? किसान है पापा। किसान है, खेती करते हैं। कर पाएंगे कि नहीं? नहीं, लोन चुकता नहीं कर पाएंगे। नोटिस भेजा जा रहा है? जी नोटिस तो आ रहा है, लेकिन हम लोग कैसे करेंगे? ये भी नोटिस में है, नोटिस क्या है? 1 टाइम में पैसा देना है, चल जाएगा। वीडियो के साथ साथ नोटिस भी स्क्रीन पे आते जाएगा और आप देख सकते हैं कि इनकी नोटिस क्या है और यो नोटिस स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। अब गिरफ्तारी की नोटिस आ रही है ना आप लोगों के पास? मैम दिखा दे रहे हैं। मैम अब तो क्या किया जाए, हम लोग तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या। बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं, नहीं अभी वो आराम कर रहे हैं। चलिए अभी वो आराम कर रहे हैं, यहाँ जनता लोग मर रहा है, सरकार का यही है, सरकार आराम कर रही है। देखिए गिरफ्तारी की, गिरफ्तारी करने की वारंट आ गई है, भले अब डिग्री भी नहीं है इन लोगों का, और 1 साल दे के लॉलीपॉप थमा दिए, अब बोले कि भैया मेरा लौटा दो, अब हमसे होने वाला नहीं है, और ऐसे मझधार में इन्हें फंसा दिए हैं सरकार की ये जो योजना है, इसकी वजह से अब ये फंस गए हैं। अब ये जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे कहाँ, उम्मीद सरकार से अभी भी लगा के रखे हैं कि सुन ले, समझ सकते हैं मुख्यमंत्री तक ये लोग पहुंच गए हैं, मुख्यमंत्री भी झटका दे के भगा दिए कि भाई अब हमसे नहीं होने वाला है, बैंक समझेगा आपका, हम तो लोन दे ही दिए हैं। अरे 1 साल इनकी जिंदगी किस तरह से बर्बाद हो रही है, आप समझ सकते हैं कि कोई भी योजना लेने से पहले 10 बार सोचिएगा जरूर। अभी के लिए इतना ही, बने रहे लाइव बिहार के। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।